नमस्कार एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक शहीद आजम भगत सिंह के शहीद दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करने वाले शहीद भगत सिंह धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने के विरुद्ध थे। वह मानवीय एकता के साथ देश की आजादी के पक्षधर थे। बाल भवन में रहने वाले बच्चों की जानकारी का अनुमोदन जिला बाल कल्याण समिति से होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी ने ये बात संयुक्त बेंच में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए कही। संयुक्त बेंच में 8 प्रकरण की सुनवाई हुई। इनमें से 4 प्रकरणों को सुनवाई के बाद नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। शेष प्रकरणों में पुनः सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदेश के समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ और मतगणना केंद्रों की सूची डाक तार विभाग को सौंपी जाएगी। आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में पोस्टल बैलेट पेपर के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पोस्टल डिपार्टमेंट को 29 आरओ और मतगणना केंद्रों के पते से अवगत करवाने को कहा गया था। आयोग की मंशा है कि इस दिशा में त्वरित कार्रवाई हो ताकि डाक मत पत्र की प्राप्ति और वितरण के संबंध में आवश्यक प्रबंध किए जा सके। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद लगातार 17 दिन भी निर्वाचन अमले द्वारा शहर और कस्बों से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन आदि को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रही। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिलों में शासकीय और निजी संपत्ति पर लगे 75,430 दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को हटाया गया। इनमें शासकीय संपत्ति पर लगे 63,975 पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन शामिल है। इसी प्रकार निजी संपत्ति से 11,455 प्रचार सामग्री हटाई गई है। भोपाल से टिकट मिलने के बाद आलोक संजर शनिवार को वर्तमान सांसद कैलाश जोशी से मिलने उनके घर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पार्टी के लगभग हर बड़े नेता से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया है। सभी पार्टी के इस निर्णय से खुश हैं। चुनाव जीतने के बाद भोपाल की समस्याओं को हल करना व जरूरी मुद्दों को केंद्र तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।